वेलकम टू मिश्रा किचन चैनल। आज हम बनाएंगे शाही फिश। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन। शाही फिश बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा जीरा पेस्ट, थोड़ा धनिया पेस्ट, थोड़ा गरम मसाला, कुछ फ्राइड हुए काजू, अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राइड ओनियन, कटे हुए चिल्ली, कुछ पीसेस ओनियन, काजू और चारमगज का पेस्ट, धनिया पत्ता, कुछ कटे हुए टमाटर, फेंटे हुए दही, कस्तूरी मेथी, शाही जीरा, अनासी फूल, दालचीनी, बड़ा इलायची, छोटा इलायची। ये यहाँ पे मैंने मछली को अच्छे से 15 मिनट तक मैरिनेट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट डाला था। अभी मैंने कढ़ाई में कुछ ऑयल लिया था जो कि मस्टर्ड ऑयल है, और ऑयल अभी गर्म हो चुका है। एक एक करके सारे मछली को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम धीरे धीरे उसको फ्राई करते रहेंगे। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल इस तरह सारे मछली को फ्राई कर लेंगे। इसकी करी बनाएंगे। इसके लिए मैंने करीबन 2 से 3 टीस्पून रिफाइन ऑयल लिया है। आप चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें चिनमन, थोड़ा सा अनासी फूल, एक बड़ा इलायची, छोटा इलायची और कुछ लौंग और तेज़पत्ता डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे तेज़पत्ता ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकता है। अभी कटे हुए प्याज और ग्रीन चिली को अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा शाही जीरा डाल के प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम करीबन 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे अच्छे से। अब हम कटे हुए टमाटर को डाल के 2 से 3 मिनट धीमी आंच में उसको पकाएंगे। अभी प्याज टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं उसमें फ्राइड किए ऑनियन को डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी। अभी हम इसमें करीबन 1/2 कप पानी डाल के उसको पका लेंगे। अभी 5 मिनट हो गया। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक दे के उसको अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में ऐसे चलाते रहिएगा। अभी हम लास्ट पानी ऐड करेंगे। मेरा मसाला अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच स्पून में 4 मगज काजू का पेस्ट डाल के उसको धीमी आंच में 4 से 5 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच में 5 मिनट तक लिड कवर करके उसको पका लेंगे।
अभी हमारा 5 मिनट हो गया, मसाला और ऑयल अलग हो चुका है। अभी हम इसको कस्तूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 से 3 चम्मच फेंटे हुए दही को डाल के धीमी आंच में कंटिन्यूसली उसको मिक्स करेंगे। आप जब भी फेंटे हुए दही डालिए कंटिन्यूसली उसको मसाले को इस तरह मिक्स कीजिए, नहीं तो दही फट जाता है। देखिए कैसे अच्छे से दही मसाले के साथ मिक्स हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और धीमी आंच में करीबन 5 से 6 मिनट उसको पका लेंगे। अभी हम इसमें करीबन 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने फ्राइड किया हुआ था मछली रखा है, अभी उसको ऊपर डाल के 10 मिनट धीमी आंच में पका लूँगी। अभी हमारा 10 मिनट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राइड किए हुए प्याज और थोड़ा सा फ्राइड किए हुए काजू को डाल के 3 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया क्योंकि मेरा ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो गया था। देखिए अभी हमारा रेडी हो गया शाही पीस। अभी इसमें गैस को ऑफ करके हम कोरिएंडर लीव से ग्रानीज कर लेंगे। अभी हमारा शाही पीस बन के रेडी हो गया। आप भी घर में इसी तरह बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।